यह है ललचिना कबूतर, इसको लाल तांबड़ा कबूतर भी बोलेंगे। ये देखिए बहुत ज्यादा मस्त है दोस्तों। ये बैठा है जंगली कबूतर छतरी के ऊपर में, और ये कबूतर ठीक हो चुका है, ये जीरा पट्टा उड़ रहा है। दोस्तों नीचे उतर के जंगली कबूतर, ये देखिए दोस्तों ये बैठा है कबूतर। मैंने आपको बोला ना ये कबूतर ही बैठा था, ये एक नया कबूतर उड़ रहा है पे और हमारे छत के ऊपर में आ रहा है। दोस्तों ये बगी रहा है और ये हमें नई वाली फेंटल कबूतर दिख रहे हैं, तो अभी इसका मैं जोड़ा लगाने वाला हूँ। दोस्तों अभी मैंने अपने कबूतर खोला हूँ, तो जो कल हमने जंगली कबूतर पकड़े थे वो दोस्तों कबूतर ठीक हो चुका है। तो कबूतर अपने टीम के सेट के ऊपर में जाके बैठा है। भाई कबूतर दिखाता हूँ मैं, वो कबूतर उड़ भी रहा है और उड़ने के बाद दोस्तों कबूतर अभी अपने छत के ऊपर में आ रहा है। दोस्तों ये बैठा है जंगली कबूतर छतरी के ऊपर में, और ये कबूतर ठीक हो चुका है, मतलब दोस्तों पूरा भी ठीक नहीं बोल सकते इसको, फिर भी दोस्तों 50% कबूतर ठीक हो चुका है। अब दोस्तों पता नहीं क्या होता है, जंगली कबूतर अपने छत के ऊपर रुकता है, ये निकल जाता है। और दोस्तों जो हमने कल नए कबूतर लिखा है, एक है फेंटल कबूतर और दूसरी है शिराजी मादी। दोस्तों ये मादी बार बार पेटी में जानी करती है, और दोस्तों ये मादी बहुत ज़्यादा गर्म है, इसका जोड़ा हम बहुत जल्दी लगा देंगे, और ये मादी बहुत ज़्यादा गर्म है। दोस्तों जो हमारा ब्राउन वाला शिराजी कबूतर है उसके साथ में दोस्तों हम इसका जोड़ा लगाएंगे। बाजू कबूतर बहुत ज़्यादा उड़ने कर रहे। यहाँ पे मैंने पकड़ा हुआ कबूतर रखा हूँ, जैसे कि भाई को बताएं मैंने कलसीरा पट्टा पकड़ा हूँ, दोस्तों मैंने बाजू वाले छत पर रखा हूँ क्योंकि वो कबूतर बीमार है, हो सकता है दोस्तों उससे अपने कबूतर बीमारी फैल सकती है। ये जीरा पट्टा उड़ रहा है। ये जो अपना फेंटल कबूतर है ब्लैक टेल का, ये मेरे हिसाब से नर है क्योंकि ये गुटरता है। ये बच्चा थोड़ा कमजोर हो चुका है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चा पूरा ठीक है, और यहाँ के भी दोनों बच्चे ठीक है जो कि देसी कबूतरी और फेंटल कबूतर के। दोस्तों बास्केट पर आके बैठ चुका है जंगली कबूतर, ये बैठा है फेंटल कबूतर के बाजू में, अभी बाजू वाले छत के ऊपर आके बैठ गया। मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ से नीचे उतरेगा, हम डायरेक्ट देखना। दोस्तों नीचे उतर के जंगली कबूतर, दोस्तों बाजू वाली छत पे जंगली कबूतर उतर चुका है। दोस्तों अच्छा है ये कबूतर बाजू वाली छत पे, क्योंकि दोस्तों वो कबूतर की आँख में थोड़ी बीमारी है, दोस्तों हो सकता है वो कबूतर से अपने कबूतर में बीमारी फैल सकती। दोस्तों ललचिरा कबूतर उस कबूतर को परेशान कर रहा है, देखिए अभी कैरेट के ऊपर जाके बैठ गया जंगली कबूतर। कबूतर बढ़िया तरीके से इसमें रहेंगे एकदम। ये जक्सीना कबूतर, ये नई वाली फेंटल कबूतर के साथ में जोड़ा लगा रहा, मगर हमको इसके साथ में जोड़ा लगाना नहीं है। हमारे घर का फेंटल कबूतर ये वाली छत पे आके गिर गया, तो अभी जैसे इसको मैं नीचे से ऊपर लेके आता हूँ। ये बैठा जंगली कबूतर कैरेट के ऊपर में, ये फेंटल कबूतर इसको पकड़ के लेके चलते हैं ऊपर में। दोस्तों अगर यहाँ से छोड़ूंगा तो जाएंगा क्या, ट्राई कर दी। दोस्तों ये कबूतर ऊपर चले गया और जंगली कबूतर बैठा है कैरेट के पीछे में, थोड़ी बहुत इसकी आँख खराब है, बाकी पूरा कबूतर ठीक हो गया। ये वो पट्टा कबूतर है जिसको दोस्तों हमने कुछ दिन पहले पकड़े, और ये कबूतर भी धीरे धीरे करके ठीक हो रहा है, पहले कबूतर बहुत ज़्यादा बीमार था, और अभी आप कबूतर की कंडीशन देख सकते हैं। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है और अभी अपने सारे कबूतर हो चुके हैं बंद। दोस्तों आज मैं कबूतर के लिए सप्लीमेंट लाने के लिए बाहर गया था, यह है ऑस्टोवेट और यह है विमरल। 60 ml की बोतल है और ये 500 ml की बोतल है। 500 ml में हमें विमरल डालना है 30 ml, मगर ये 30 ml तो नहीं है, ये 60 ml है, तो दोस्तों हम इसको आधा करके इसमें डाल देंगे। दोस्तों मैं इसको 1 लीटर में लेने वाला था, मगर दोस्तों मुझे 1 लीटर में मिली नहीं, तो इसलिए मैंने इसको आधा लीटर में ले लिया हूँ। अगर दोस्तों आप 1 लीटर ये लेते हो तो आपको 1 लीटर में 60 ml डालना पड़ेगा। ये दोनों भी कबूतर के लिए बहुत फायदेमंद है, इसको रखते हैं यहाँ पे, और इसकी प्राइस भी ज़्यादा नहीं है। आपको बता दिया हूँ मैंने, अगर आप 1 लीटर लेते हो तो 1 लीटर में आपको 60 ml डालना पड़ेगा विमरल, और अगर आप आधा लीटर ऑस्टोवेट लेते हो तो आपको 30 ml डालना पड़ेगा। जो कल हमने जंगली कबूतर पकड़े थे वो कबूतर भी सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर में जाके बैठा है, वो देखिए आप वो बालकनी है, तो वहाँ पे जंगली कबूतर जाके बैठा है। जब मैं अपने कबूतर बंद कर रहा था तब वो कबूतर उड़ गया और उड़ के यहाँ पे जाके बैठ गया, ये बैठा है जंगली कबूतर। वैसे भी इस कबूतर को मैं रखने वाला था नहीं, इस कबूतर को मैं आदत ही करने वाला था। दोस्तों जंगली कबूतर को रखने कोई फायदा नहीं है, वो कबूतर कभी ना कभी निकल जाते। ये है अपनी न्यू फेंटल कबूतरी जिसको मैंने यहाँ पे रखा हूँ, इसका जोड़ा मैं बहुत जल्दी लगा दूंगा, तो ये पानी को मैं खाली कर देता हूँ। दोस्तों पूरा मौसम खराब हो चुका है, बहुत ज़्यादा तेज हवा चल रही है, तो दोस्तों जल्दी से हमें कपड़ा खोल लेते हैं, कैसा मौसम हो चुका है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। दोस्तों बारिश शुरू हो चुकी है और इसको हम गिरा देते हैं अभी।
आप देखते हैं दोस्तों ऊपर का क्या हाल है। पूरी कबूतर की पीठ हमारी गिल्ली हो चुकी है और ये देखिए आप तूफान की वजह से ये जो बैनर था ये भी निकल गया दोस्तों, पता नहीं यहाँ का टीन का चली गया। अरे यार दोस्तों ये देखिए आप टीन तो पूरा चकनाचूर हो चुका है दोस्तों, इधर का भी बहुत ज़्यादा बेकार हाल है, ये साइड का बेकार हाल है पूरा। देखिए यहाँ पे पानी रुक चुका है। कबूतर के लॉक पे देखते हैं, ये देखिए दोस्तों ये अपना बगीरा है जो कि पूरा गिल्ला हो चुका है, लॉक के अंदर पूरा पानी पड़ चुका है, अब मुझे इसको साफ करना पड़ेगा। ऊपर से ही पानी लगा है लॉक को। ये है अपनी न्यू सेंट्रल कबूतरी, ये पूरी गिल्ली हो चुकी है, ये भी गिल्ली हो गई, यहाँ के भी जितने कबूतर है सारे कबूतर गिल्ले हो चुके हैं, इधर के भी हो गए। दोस्तों ये देखिए आप ये अपने इधर का हाल। तो अचानक से बारिश शुरू हो गई इसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते, अगर दोस्तों हमको पता रहा होता कि बारिश आने वाली है तो हम लोग कबूतर की पेटी को अच्छी तरीके से कवर करे होते। यहाँ पे एक पन्नी रखी थी वही पता नहीं कहाँ चली गई, बाजू वाली छत के मैंने कबूतर खोल दिया, यहाँ पे जितना ही पानी था वो पानी पूरा नीचे चले गया। जो दोस्तों मैंने कबूतर के लिए सप्लीमेंट लेके आया हूँ ऑस्टोवेट और मिनरल, उसको दोस्तों कबूतर को दिन में दो बार देना पड़ता है, सुबह देना पड़ता है और शाम में देना पड़ता है। तो दोस्तों अभी तो शाम का टाइम है, एक टाइम तो दोस्तों मैं कबूतर को दूंगा नहीं, तो दोस्तों इसको हम कल देंगे। दोस्तों ऐसे में छत के ऊपर में आने का बिल्कुल मन नहीं होता है। मैंने अपने कबूतर खोलाऊ और छत की अच्छे तरीके साफ सफाई कराऊ, और जो अपनी कबूतर की पिटी है वो अंदर से हल्की हल्की गिल्ली हो चुकी है, जो मट्टी का ट्रे है उसमें भी दोस्तों पूरा पानी भर चुका है। दोस्तों अभी भी एक नया कबूतर इस वाली बिल्डिंग के ऊपर में आके बैठा है, ललचीना कबूतर है दोस्तों, उस कबूतर को मैंने छेड़ लगाया तो कबूतर इस बिल्डिंग के ऊपर में आके बैठा है, और कबूतर वो साइड में है। ये देखिए अपना एक कबूतर उड़ी रहा वहाँ पे बैठा है कबूतर। अगर दोस्तों जैसे ही कबूतर अपनी छत के ऊपर में आता है ना वैसे ही दोस्तों मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। दोस्तों फाइनली कबूतर अपनी छत के ऊपर आके बैठा है, ये देखिए आप अभी अपने कबूतर खुले। दोस्तों लगता है कबूतर सेटअप के ऊपर में आके बैठा है, दोस्तों कबूतर नीचे से दिख नहीं रहा है। दोस्तों अचानक से कबूतर उड़ा और कबूतर दोस्तों अपने छत के ऊपर में आके बैठा है, दोस्तों मुझे समझ भी नहीं आ पा रहा है कबूतर छतरी के ऊपर बैठा है ये सेटअप के ऊपर बैठा है। मगर दोस्तों बैठा है कबूतर अपनी छत के ऊपर ही, या तो छतरी पर बैठा है या तो सेटअप पे बैठा है। ले दोस्तों मैंने कबूतर को दाना पानी कुछ भी दिया नहीं था, अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है, वो कबूतर नीचे उतरता है या नहीं उतरता है। दोस्तों कबूतर ऊपर ही बैठा है क्योंकि आपने बहुत से कबूतर ऊपर फड़फड़ कर रहे हैं, देखिए आप आपको शायद आवाज आ रही होंगी। कबूतर कभी ऐसे ऊपर जाके बैठे ही नहीं है, हो सकता है अगर मैं उसको देखूंगा तो कबूतर उड़ जाएगा। ये देखिए दोस्तों ये बैठा है कबूतर, मैंने आपको बोला ना ये कबूतर ही बैठा था। दोस्तों ये बैठा है कबूतर, ये ललचीना कबूतर है और बहुत ही मस्त कबूतर है, इसको दाना पानी दिखाता हूँ मैं नीचे में। अभी अपने कबूतर दाना खा रहे, और ये देखिए इधर में भी तीन कबूतर उड़ रहे और इसमें एक नया कबूतर है। एक भी कबूतर छतरी के ऊपर बैठा नहीं है और ना ही बांस के ऊपर बैठा है, तो पता नहीं क्या होगा कबूतर नीचे उतरता है या नहीं उतरता है। उतरा 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 उतरा, दोस्तों देखिए आप फाइनली कबूतर बांस के ऊपर आके बैठा है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा शानदार कबूतर है, ये उतर गया नीचे। अब कबूतर पैराफिट के ऊपर आके बैठे, पीछे की आवाज़ को आप इग्नोर करना थोड़ा। अरे यार दोस्तों सिराजी कबूतर उस कबूतर को परेशान कर रहा है, नीचे उतर गया कबूतर। दोस्तों आज बहुत ज़्यादा शानदार कबूतर पकड़ा हूँ मैंने, यह है ललचीना कबूतर, इसको लाल तांबड़ा कबूतर भी बोलेंगे। ये देखिए बहुत ज़्यादा मस्त है, सफ़ेद धुमे कबूतर की और सफ़ेद चोच है और सफ़ेद नाखूने कबूतर की सफ़ेद आँख है। तो दोस्तों मैं कबूतर के पार बांधता हूँ, उड़ने कर रहा है कबूतर मगर उड़ नहीं सकता है, एकदम अलग ही कबूतर है। अभी मैंने कबूतर को यहाँ पे दाना डाल दिया हूँ और सूखी जगह पे दाना डाला हूँ, ये देखिए इधर भी डाला हूँ और इधर भी डाला हूँ। ये ललचीना पट्टा पकड़ा हूँ मैंने, ये एक नया कबूतर उड़ रहा है यहाँ पे और हमारे छत के ऊपर में आ रहा है। कबूतर का दाना पानी खा के तो पूछ चुका है, और अभी अपने कबूतर उनके बच्चों को दाना खिला रहे। तो अभी इसका मैं जोड़ा लगाने वाला हूँ, देखिए तो बगीरा अलग बग जाता अपना, दोनों को पहले मैं साथ में बंद कर रहा था मगर अभी दोनों को मैंने बाहर खोल दिया हूँ। बगीरा अपने पुराने घर में जा रहा, वो अंदर जाने कर रहा है इसकी मादी के पास में। ये नर तो जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा मादी में, इसको हम पेटीएम बना रहे हैं। नर से ज्यादा अच्छी मालूम क्यों, मादी में अकड़ है। ये बगीरा गया अंदर में, अरे बगीरी गई, ये बगीरी गई बगीरी।
दोनों को हमने अंदर डाल दिया। अगर ये कबूतर इसके ऊपर घुटरेगा ना तो बहुत जल्दी इसका जोड़ा लग जाएगा। इसकी सफ़ेद चोंच है, सफ़ेद आगे इसकी पर दिखो इसकी, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत पट्टा है ये, उधर के पर दिखो, ये इसकी इधर के पर है और सफ़ेद पूछ है कबूतर की, ये देखिए पूरी फुल वाइट है। पंजे दिखाओ इसके दोस्तों, ये इसके पंजे सफ़ेद चोंच सफ़ेद नाखून। अब दोस्तों इस पट्टी को रखते हैं हम पेठी के अंदर में, इसको एक इसको डालते इधर में और इसको डालते यहाँ पे। तो दोस्तों अभी मैंने सारे कबूतर कर दिया हूँ बंद। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आज की वीडियो को मेंट करते। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।